जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऊर्जा ग्लोबल सिर्फ पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि पावर सेक्टर के अंदर देखेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करते हुए कंपनी आपको देखेगी। और आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसलिए ऊर्जा ग्लोबल जैसी छोटी कंपनी को हम लोग दरकिनार करके नहीं चल सकते। यदि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह के जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में जिन कंपनियों का डिमांड बढ़ने वाला है उस पर नज़र रखनी ही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऊर्जा ग्लोबल का हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसमें समझेंगे कि कब मौका मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, और या जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। अभी देखेंगे तकरीबन 7 रुपये 80 पैसे के आसपास इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है, और एक दिन में देखेंगे तो तकरीबन 0.65% का रिटर्न आपको देते हुए दिखेगा। पिछले 5 दिन की बात करें, 5 दिन यानी कि 1 सप्ताह, तो उसमें देखेंगे तकरीबन 3% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ते हुए दिखेगा। यानी कह सकते हैं कि अब इस स्टॉक में धीरे धीरे तेजी आनी शुरू हो गई है। एक मंथ में स्टॉक तकरीबन आपको 0.64% के आसपास गिरते हुए देखेगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है एक मंथ में देखेंगे तो। ओवरऑल पिछले 5 दिनों की तेजी कुछ दिन तक और चल जाती है ना, तो ये जो पिछले 1 मंथ का रिटर्न आप यहाँ माइनस में देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। 6 मंथ में तकरीबन 27% के आसपास से स्टॉक टूटा है, क्योंकि लंबी अवधि में देखेंगे तो इस पे नहीं स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अब यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक जब ऊपर गया है अप्रैल में तो अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा है, और थोड़ा सा जिसमें मैंने बताया 5 दिनों की तेजी और लंबा चलती है तो धीरे धीरे 1 मंथ और 6 मंथ का जो रिटर्न नीचे की तरफ आ रही है ग्राफ यहाँ पर जाकर सपोर्ट बन जाएगा, यानी कि कंसोलिडेट करने लगेगा और धीरे धीरे इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का चार्ट देख लेते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ शॉर्ट टर्म की बात करेंगे उसमें क्या हो सकता है, और फिर हम लोग कंपनी के काम और फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे। तो अभी हम लोग आ गए इस कंपनी के चार्ट पर, और यहाँ पर मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया, और 1 साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लेवल था, ये यहाँ का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस स्टॉक के लिए। जहाँ पर दिसंबर 2022 में देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस इस लेवल पर ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया, हालांकि नीचे ज़्यादा नहीं आया और यहीं से फिर रिवर्स मार्कर ऊपर गया, और इसी लेवल के आसपास जहाँ से टूटा था वहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पर ये कंसोलिडेट करने लगा और लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर जनवरी में प्राइस नीचे आ गया, और उसके बाद तो देखेंगे प्राइस क्या जबरदस्त नीचे आया। हालांकि अप्रैल में ही प्राइस फिर यहाँ से रिवर्स मार्कर ऊपर उठा, यानी कि एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि प्राइस भले नीचे आता है लेकिन ज़्यादा दिनों तक नीचे नहीं रहता और फिर रिवर्स मारकर प्राइस ऊपर की तरफ उठता है। तो अभी देखेंगे इतना नीचे आने के बाद यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, तकरीबन 9 रुपये के आसपास तक आया, और अभी 8 रुपये से लेकर 7 रुपये इसी के बीच में स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है कि जैसे ही ये स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तुरंत इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, और सबसे पहले 9 रुपये के लेवल तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन 9 रुपये के आसपास देखेंगे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे आएगा आपको 10 रुपये के आसपास। यानी कि ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का शेयर प्राइस जो अभी 8 और 7 रुपये के बीच में घूम रहा है जल्दी आपको 10 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। और देखिए अभी इस कंपनी के Q4 के नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं, तो इसके बदौलत भी मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस कंपनी के काम की बात करते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे कि ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा मतलब ऐसे एनर्जी से होता है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, यानी कि एक ही तरह की एनर्जी को वेस्ट होने के बाद उसको दोबारा बनाया जा सकता है, तो ये काफ़ी काम करने वाली कंपनी होती है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। तो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का ग्रोथ आने वाले समय में काफ़ी है। अब ये तो काम की बात हो गई, अब फ्यूचर अब इस कंपनी के थोड़ी बहुत फंडामेंटल को डिस्कस कर ले तो मार्केट कैप तकरीबन 400 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी बढ़िया बात है, और इसका जो शेयर प्राइस है वो भी देखेंगे बुक वैल्यू से अधिक है। हालांकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लूड थोड़ा कम है, 1-2% होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि ROCE तो 2% के आसपास है लेकिन ROE 1% से भी कम है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी के धीरे धीरे फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं तो आने वाले समय में ये भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे इस कंपनी का जो सेल्स है March quarter में यानी कि Q4 में पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा हुआ है, और पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो इस कंपनी का जो सेल्स है बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको कुछ खास जंप देखने को नहीं मिलेगा, March quarter में देखेंगे तो सिर्फ 9 लाख का ही आपको यहाँ प्रॉफिट होते हुए दिखेगा, और पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए आपको देखा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का सेल्स तो हो रहा है लेकिन इस सेल्स से जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां होती हैं उनको खर्चा ज़्यादा लगता है, तो वो प्रॉफिट इसमें चला जा रहा है इसलिए आपको प्रॉफिट यहाँ पर कम होते हुए दिखा है। लेकिन ये चिंता की बात नहीं, आप ये देखिए कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, जब कंपनी की कमाई हो रही है तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा ही होगा, एक बार कंपनी को पूर्ण रूप से सस्टेन हो जाने दीजिए अपने क्षेत्र में, उसके बाद कंपनी का जो खर्चा है थोड़ा बहुत बचेगा तो प्रॉफिट में ही आएगा। ओवरऑल कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नेगेटिव
में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊर्जा ग्लोबल एक छोटी सी कंपनी है और जिस तरीके से जिस सेक्टर में काम करते हो जिस तरीके से इस कंपनी का फंडामेंटल और ग्रोथ हो रहा है, आने वाले समय में ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही स्टॉक होना ही चाहिए। अब बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, मेरे कहने पर पैसा नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूँ ऊर्जा ग्लोबल के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप पैसे समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।